देव, महादेव। अब उनके बारे में मैं क्या कहूं? वो अपने आप में ही एक अनंत योगी विश्वनाथ है। उनकी कई कथाओं में उनका वर्णन है और उन कथाओं में भी उनका वर्णन अधूरा है, क्योंकि उनके बारे में ज्ञान संभव तो है पर संपूर्ण ज्ञान असंभव है। और महादेव की जो मन से आराधना करता है उसे कभी किसी बात का भय रहता ही नहीं। और अब हम बात करें महाशिवरात्रि की, तो ये कहानी भी तभी बनी जब माँ पार्वती उन कैलाश योगी की दीवानी बनी। महादेव ने हमें प्रेम का एक बहुत प्यारा सा उदाहरण दिया है, जो कि उस पर्व को हम उनके विवाह के रूप में मनाते हैं। उनका विवाह संपूर्ण विश्व में एक ऐसी सौगात ले आता है जिससे सबका मन प्रफुल्लित व प्रेम में डूब जाता है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि महादेव को जानना संभव तो नहीं पर असंभव भी नहीं है। महादेव स्वामी है, तीनों लोकों के स्वामी, और उनका उत्सव हमें मनाना है जो कि नजदीक आ रहा है महाशिवरात्रि के रूप में।